टारगेट करीबन 170 के आसपास दे दिया है। यशस्वी जायसवाल तैयार है इस रन चेज को आगे बढ़ाने के लिए, 183 का टारगेट दिया है, बहुत बढ़िया टारगेट। तस्किन अहमद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहला बॉल बहुत बढ़िया तेज बाउंसर, लेकिन यह वाइड बॉल करार दी जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया नवसारी भाई आप इतना ज़्यादा प्यार बताने के लिए। ये देखिए धागे के जैसे सीधा खेल लिया इसको, और इसके साथ 4 रन की आगाज हो गई है, कमाल की शॉट। और बहुत दिनों के बाद हमें गायकवाड़ फिर से दिखने को मिलेंगे, किया है तस्किन अहमद ने काफ़ी बेहतरीन, ये अच्छा शॉट है, गेप में खेल लिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर तो भाग रहे हैं लेकिन 2 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे बल्लेबाज। और ये देखिए जैसे कि हम बोल रहे थे स्पिन के लिए काफ़ी बढ़िया ये पिच, तो सांतो ने बिल्कुल कोई गलती नहीं करी, घुमाओ है ये शॉट, काबिले तारीफ, कमाल की ये कवर ड्राइव, ऑलराउंडर के बारे में जाना जाते हैं। इसको देखिए ये कट खेल लिया है, फील्डर तो मौजूद है लेकिन पॉइंट के दिशा में कमाल की शॉट लगाया, क्योंकि स्पिन का ट्रैक इस मैदान में बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये बिल्कुल लाइन पे है, क्या ये पहला विकेट मिलेगी, नहीं मना किया अंपायर, ये थोड़ा सा क्लोज कॉल है, चर्चा ज़रूर होगी कप्तान कीपर के बीच में, मेरे हिसाब से रिव्यू ले लेनी चाहिए थी। ये बढ़िया शॉट है, कवर के दिशा में कोई प्लेयर मौजूद नहीं है, 4 रन मिलेगी इसके साथ, ऋतुराज गायकवाड़ का पहला चौका। ये पाले में थी गेंद जिसको डिपॉजिट किया छक्के के लिए, मुस्तफिजुर आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए, पहले ही बॉल दूर रखने की कोशिश लेकिन पाले में आ गई ऋतुराज गायकवाड़ की, बहुत बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं था मौजूद वहां पे, मिड विकेट के तरफ इस बार 4 रन बटोर लिए। ये थोड़ा सा साधारण सी गेंदबाजी देखने के लिए मिल रही है हमें, जिसमें कि इस बार 11 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, ये भी मिस किए और खामियाजा भुगता, सीधा खेल लिया है इस बार, उड़ा के खेलने की कोशिश, फील्डर तो कोई मौजूद नहीं है लेकिन 4 रन देती हुई जाएगी ये गेंद, ये बढ़िया शॉट थी लेकिन ढूंढेंगे फील्डर को, टाइम बहुत बढ़िया हुआ था लेकिन दिशा नहीं दिखा पाए और एक विकेट मिली बांग्लादेश को 20 बॉलों में 25 रन बना के। यशस्वी जायसवाल पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए, कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव है रिक्वायर्ड रन रेट। ओह ये बढ़िया टाइम हुआ है, कमाल का शॉट लगाया, कवर के दिशा में उड़ा के खेला, बहुत बढ़िया शॉट ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, ये इस बार पॉइंट के दिशा में मारने की कोशिश थी लेकिन टाइमिंग देखिए, जो बॉल को उछाल और स्पिन मिली थी, मारने की कोशिश थी पॉइंट के दिशा में लेकिन गई एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, कमाल की ये एक और लंबा छक्का, 24 गेंदे अभी भी बाकी है, ये उड़ा के खेलने की कोशिश, फील्डर को ढूंढ लिया है, सूर्य कुमार के बल्ले पे आई नहीं अच्छी तरह से गेंद, जो कि मैदान में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद थे और सीधी तरह से उनके हाथों में चली गई ये गेंद। सूर्या का वीकनेस माना जाता है स्लो गेंद है, 9 रन बना के सूर्या पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। ऋषभ पंत आए हैं इस बार, नहीं बचेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, पॉइंट के दिशा में एक लाजवाब शॉट जड़ाए, और देखिए कमाल की अर्धशतकीय पारी, 30 गेंदों में 51 रन, 5 छक्के और 2 चौके जड़े हैं आज सिमम इन्होंने लगाई है, ये शॉट भी बढ़िया, 4 रन देती हुई जाएगी। ऋषभ पंत कहाँ खेलने वाले हैं, फील्डर मौजूद नहीं है, टाइम भी उतना बेहतर नहीं हुआ था लेकिन फिर भी कमाल की 4 रन, करीबन 77 रन की ज़रूरत है, ये तो भाई मंगा लीजिए आप, गई है सीधा, तो अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि कैसे वो मिस कर बैठे, ये बढ़िया शॉट है, ये 4 रन देती हुई जाएगी, बहुत बढ़िया कट शॉट, अच्छा शॉट, गेप में है, टाइम भी हुआ है, 4 रन मिलेगी, कितना छोटा सा गेप है वहाँ पे और एकदम गेप में गई, दोनों के बीच में एकदम, ये कैच इट की मांग है, क्या फील्डर नीचे आ पाएंगे, नहीं 4 रन मिलेगी और उधर ही उड़ा के खेला, ये बहुत बढ़िया दिमाग से खेली गई शॉट मैं कहूँगा,
और अगली गेंद ये बेहतरीन ग्राउंडेड कवर ड्राइव, भाई साहब ये तीसरा चौका है। बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली हमें मुस्तफिजुर, अब क्या डालने वाले हैं गेंद। ओ ये बढ़िया, बहुत दूर की गेंद थी, स्लो गेंद कर रहे हैं तस्किन अहमद, आखिरी ओवर है इनका। क्या इसके बाद आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार थोड़े से चूक कर बैठे। ऋषभ पंत के पाले में आ गई गेंद और उन्होंने भर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, बहुत बड़ा छक्का, कोई खराबी नहीं थी इस गेंद में। अगर आप DRS लेना चाहें, इस बार मिड विकेट के तरफ खेला है, फील्डर मौजूद नहीं है, बड़ी आसानी से दो बाउंस के बाद चार रन मिलेगी। कमाल की शॉट, मुझे नहीं पता क्या आएगी, लेकिन ये भी एक रन चुराया ऋषभ पंत ने मेरे हिसाब से। थोड़ा सा संभल के खेलने की कोशिश है मुस्तफिजुर की, है ओवर चले जाने दीजिए। खराब गेंद आएगी उसी पे प्रहार करिए, विकेट मत खोइए भाई, क्योंकि अभी अगर विकेट गया तो फिर मुश्किल में आ सकती है भारत, क्योंकि नया बल्लेबाज आएगा। 22 गेंदों में 29 रन्स बाकी है, जो कि काफ़ी आजकल बड़े आसानी से हो जाता है। ये बढ़िया शॉट है, गेप में है, देखने वाली बात है कि चार देखे जाएगी, बिल्कुल बहुत ही फाइन खेला है। ऋषभ पंत ने पिछला बॉल सिंगल दे दिया था, ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल का टाइम किया है, आखिरी बार यही गेंद को परख नहीं पाए थे, इस बार बहुत बढ़िया टाइम किया है भाई। गेंद बहुत बढ़िया थी, लेकिन डॉट गेंद होने के जगह एक रन मिल गई, वरना अभी होता 19 गेंदों में 26 रन की ज़रूरत। ये लो भाई, यू मिस आई हिट, कमाल की यॉर्कर करने की कोशिश। एक ही टीम चेन्नई सुपर किंग्स से मुस्तफिजुर और गायकवाड़ दोनों खेलते हैं, तो उनको पता है गायकवाड़ को, और उसके रिजल्ट के हिसाब से वो शॉट लगाया। हम इस गेंद के बाद आपको वो कमाल का शॉट दिखाते हैं, ये देखिए वो शॉट पूरी तरह से हटके, कमाल का ये जो शॉट बनाया ऋतुराज ने, कमाल का शॉट बनाया, वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ टुडेस मैच। ये देखिए सीम में पड़ के ये स्विंग होने वाली थी, बल्ले पे आ गई बहुत बढ़िया तरीके से, और गई भी बहुत दूर ये छक्का। संभल के खेलेंगे, मुझे तो लग रहा है खराब गेंद होगी तो फिर उड़ा देंगे। बिल्कुल फील्डर मौजूद थे लेकिन उनको बीट कर दिया, चार रन मिल गई और इसके बाउंड्री के साथ स्कोर हो गया टाई। क्या इसके साथ भारत जीत गई है, कमाल की ये मैच रही है।